नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में हमने इकाई पाली चित्रपाठ दयालु शिकारी की चर्चा की थी। आज हम इसी इकाई के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको पीपीटी के माध्यम से चित्र कहानी सुनाऊंगी, ठीक है, जो आपके अभ्यास और स्वाध्याय में है वही दोहराने वाली हूँ। यहाँ पर मैं उस चित्र कहानी का वर्णन करूंगी और आपको समझाऊंगी, ठीक है। आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले पिछले तास में हमने जो अभ्यास किया है उसको थोड़ा फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछले तास में मैंने आपको साहित्य के प्रकार के बारे में चर्चा की थी, राइट। साहित्य के दो भेद है, पद्य और गद्य, राइट। इन पद्य और गद्य के भी बहुत सारे भेद हैं। गद्य की बात करूं तो गद्य में कहानी, निबंध, पत्र लेखन, उपन्यास, एकांकी, कथा, लघु कथा, ये सारी चीज आती है। और पद्य की बात करूं तो खंड काव्य, महाकाव्य, भूतक, प्रकृति गीत, देशभक्ति गीत, इन सारी चीजें आती है, यानी कि इन सारे प्रकार आते हैं। यहाँ पर चित्रपाठ दिया गया है, चित्रपाठ से विचारों को खेलने का मौका मिलता है, आपकी अवलोकन शक्ति बढ़ती है, इसीलिए यहाँ पर ये चित्रपाठ दिया है। हमने देखा था कि एक शिकारी था, उसे मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसीलिए वो जंगल में जाता है। जंगल में उसने एक मोटी ताजा हिरनी देखी, जिसने अभी अभी एक शावक को जन्म दिया था। शिकारी अपने पास जो बंदूक थी उसे लेकर एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है। जैसे ही हिरनी बंदूक की सीध में आती है, वह गोली चला देता है और गोली हिरनी के टांग में लग जाती है। यह गोली लगने के कारण हिरनी पीड़ित हो जाती है और उसके पैर से खून बहने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे देखकर उसका छोटा सा शावक भी उसके पास आकर बैठ जाता है। यह करुणा भरा दृश्य देखकर शिकारी को उस पर दया आ जाती है, तो शिकारी उस हिरनी को लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल जाकर वह पशु चिकित्सक के पास उसका इलाज करवाता है, मलम पट्टी होती है, जिससे हिरनी को थोड़ा आराम मिलता है। फिर वह हिरनी को जंगल में उसके शावक के पास छोड़ आता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें इस कहानी को सीखने को मिला कि हमें पशुओं के प्रति दया रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रत्येक जीव के साथ हमें दया भाव से प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यही प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है, क्योंकि पशुओं को भी इस पृथ्वी पर जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको इन पीपीटी के माध्यम से और कहानी की ओर ले जाती हूँ और उस कहानी का वर्णन करती हूँ, ठीक है। जो अब हम अपने स्वाध्याय की चित्र कहानी की ओर आगे बढ़े। बच्चों, आप अपने स्वाध्याय में देख सकते हैं कि चित्र कहानी दी गई है, यानी कि चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। और वैसे भी मुझे पता है कि आपको कहानी लिखना बहुत पसंद है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था।
वह बहुत बातूनी था आप लोगों की तरह, क्योंकि आप सब भी बहुत बातूनी है। आप सबको बातें करना बहुत अच्छा लगता है ना? तो एक तालाब में कछुआ था, वह बहुत बातूनी था। वह ही दो हंस भी रहते थे, यानी कि उसी तालाब में तो हंस का जोड़ा भी था और एक कछुआ था। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे, यानी कि उन सभी में गहरी दोस्ती हो गई थी। ठीक है, एक तालाब था, उसमें कछुआ और हंसों का जोड़ा, यानी कि दो हंस रहते थे और उस वो लोग आपस में बहुत घुल मिल गए थे, यानी कि वह अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल ऐसा हुआ कि बरसात बहुत कम हुई, जिसकी वजह से तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। अब देखिए आगे, वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। अब बताइए भला ऐसा क्यों किया होगा उन लोगों ने? सोचिए सोचिए। यस, क्योंकि कछुआ थोड़ी ना उठ सकता है, तो फिर अपने दोस्त को ऐसे अकेले थोड़ी ना वो जोड़ के जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। क्या किया? लकड़ी ले आए और दोनों ओर की जो सिर है, दोनों लकड़ी का दोनों ओर का जो सिरा है वो अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं। फिर बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। अब देखिए, सही बात है ना कि कछुआ यदि मुंह खोल दे तो क्या हो जाए, लकड़ी उसके मुंह से छूट जाए और वह गिर पड़े, है ना? क्योंकि पंछी तो आकाश में उड़ सकते हैं, यानी कि हंस तो आकाश में उड़ सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो उड़ सकते हैं ना। लेकिन कछुआ भला कैसे उड़ पाता? इसीलिए तो हंसों ने उसे सीख दी थी कि तुम्हें बोलना बिल्कुल नहीं है। देखिए अब आगे क्या होता है। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। देखो, यदि इंसान वक्त पर अपनी समझ ना दिखाए या पशु अपनी समझ ना दिखाए तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है। वैसे भी हंसों ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कछुए को, लेकिन वह अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता? वह तो अपनी प्रकृति का गुलाम है। इसीलिए तो लोगों को देखकर उसको कुछ बोलने की इच्छा हो गई। जैसे ही मुंह खुला वो नीचे गिर गड़ा और मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यस, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। ठीक है, क्या सीख देती है? कि बहुत बोलना कभी संकट को न्योता देता है, इसलिए हमें बहुत बोलना नहीं चाहिए। चलिए अब दूसरी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक कौवा था। ये कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी और बहुत बार अपने हिसाब से लिखी भी होगी। एक बार उसे खूब प्यास लगी
उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। अब सही बात है, यदि हमें कोई कठिनाई है तो उसका उपाय हमें ही सोचना चाहिए। इसी संकट से बचने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर कौवा प्यासा है, उसे पानी भी मिल जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पानी घड़े के में बहुत नीचे की ओर है और उसकी चांच तो इतनी अंदर तक नहीं जा सकती। लेकिन उसने देखा कि घड़े के पास बहुत सारे कंकर हैं। तो वो क्या करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। चलिए क्या करेगा वो, यस, वहाँ आसपास बहुत से कंकर पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकर घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। देखा बच्चों, यह कहानी तो आपने बहुत बार पढ़ी है। अब तो उस आपको यह भी पता है कि यहाँ हमें क्या सीख देती है। आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे कहानी सुनाती हूँ, कौवा और लोमड़ी की कहानी, ठीक है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वहाँ रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा पहुँचा। फिर आगे देखिए, इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी छीन लूं, ठीक है। क्या करता है कौवा, उसे एक रोटी मिलती है तो वह उस रोटी को लेकर कहाँ चल पड़ता है, वहाँ पेड़ पर जा पहुँचता है। लेकिन जब वहाँ से वो लोमड़ी गुजरती है और कौवे के पास रोटी देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसे भी वह रोटी खाने का मन हो जाता है। तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर उससे वह रोटी छीन लूँ। चलिए आगे देखते हैं वो क्या करेगा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत ही मीठा लगता है। देखो कौवे की बहुत तारीफ कर दी किसने, यस लोमड़ी ने, क्योंकि वह उससे क्या पाना चाहता था, क्या पाना चाहती थी लोमड़ी, यस रोटी पाना चाहती थी। देखते हैं आगे कौवा क्या करता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। देखिए अगर कोई होता तो क्या करता, फूला नहीं समाता अपनी प्रशंसा सुनकर और अपना ही नुकसान कर बैठता। लेकिन यहाँ पर कौवा भी बहुत समझदार है, वो लोमड़ी की चालाकी आसानी से समझ जाता है। इसीलिए तो वो समझ गया कि यह लोमड़ी तो नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वहाँ जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। देखा क्या किया कौवे ने, यस अपनी सूझबूझ दिखाई और रोटी पंजे से पकड़ ली, फिर काव काव शुरू कर दिया। देखो
लोमड़ी तो यह सोचकर बैठी हुई थी कि मैं कौवे को मूर्ख बनाऊंगी। अरे लेकिन ये क्या हो गया, कौवा तो बहुत चतुर निकला, इसीलिए बेचारी लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वो मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया, उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। तो बच्चों आपने देखा, ये तीनों कहानी बहुत मज़ेदार है और वैसे भी यह कहानी आपने बहुत बार सुनी भी होगी, लेकिन यह बहुत कुछ सीख दे जाती है। कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। हमें ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जरूरत होती है उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह तीनों कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़। तो बच्चों आपको कहानी सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगा होगा, वो भी पीपीटी के जरिए, है ना। चलो कुछ प्रश्नों के रूप में हम इकाई को खत्म करते हैं, यानी कि पूर्णाहुति की ओर ले चलते हैं। कौवा कैसा था, कौवा प्यासा था, कौवे को कहां पानी दिखाई दिया, कौवे को एक कुंजे में पानी दिखाई दिया। पानी कहाँ था, पानी बहुत नीचे था। कौवे ने क्या युक्ति लगाई, कौवे ने आसपास जो कंकर पड़े हुए थे वो कंकर अपनी चोंच में लेकर उस कुंजे में डाल दिए और धीरे धीरे कर पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। अब दूसरी कहानी की बात करते हैं। लोमड़ी कैसी थी, लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी को क्या लगी थी, लोमड़ी को भूख लगी थी। लोमड़ी ने कौवे के पास क्या देखा, लोमड़ी ने कौवे के पास एक रोटी का टुकड़ा देखा। वह उस टुकड़े को क्या करना चाहता था, वह उस टुकड़े को अपने पास ले लेना चाहता था। इसीलिए उसने कौवे से क्या कहा, इसीलिए उसने कौवे से झूठी तारीफ की कि आपकी आवाज तो बहुत सुंदर है, आप मुझे कुछ गाकर सुनाइए। लेकिन कौवा भी कैसा था, कौवा भी समझदार था। उसने सोचा कि यदि मैं मुंह खोलूंगा तो रोटी गिर पड़ेगी और लोमड़ी उसे लेकर चली जाएगी, इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं है। तो बच्चों कहानी हमें बहुत सारा बोध देती है, हमें बहुत सारी सीख देती है। इससे हम हमारे जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको इस इकाई में ये सारी कहानी सुनने में और पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर सुंदर अक्षरों में दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई नाम लिखकर पूरा करना है, यानी कि खत्म करना है, ठीक है। अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी नई इकाई के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।